सीतामढ़ी जिला मेजरगंज ब्लॉक में स्टेडियम 2015-16 में बनाने की स्वीकृति दी गई, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्टेडियम नहीं बन पाया, जिसके वजह से बच्चों को खेल खेलने में काफ़ी समस्या हो रही है। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और समय आने पर हर प्रकार का गेम खेलते हैं। हाई स्कूल में जाना पड़ता है और ऊपर से KK पाठक का आदेश है कि इसमें खेलना नहीं है स्कूल टाइम में, और हम लोग को खेलने में दिक्कत होता है, खेलने का कोई साधन नहीं है। और यहाँ पे 5 साल से सुन रहे हैं, जब से यहाँ पे विधायक अनिल राम जी आए हैं तब से कितने बार सुने हैं कि यहाँ पे स्टेडियम बनने के लिए जमीन दिया गया है, लेकिन आज तक हमेशा नापी होता है लेकिन बना नहीं आज तक। स्कूल में खेलने बाद टीचर बोलते हैं कि स्कूल टाइम है, स्कूल टाइम के बाद फिर आते हैं तो बोलते हैं अभी स्पेशल क्लास चल रहा है एग्जाम के कारण, इसलिए खेलने में बहुत दिक्कत होता है, खेलने का समय नहीं मिल पाता है। हाई स्कूल छोड़कर कहीं नहीं है, हाई स्कूल में पहले बड़ा मैदान भी था तो पढ़ाई के कारण सभी जगह बिल्डिंग बनने के कारण वो भी ग्राउंड खत्म हो चुका है। अच्छा। तोड़े नहीं है, खेलने में बॉल जाता है तो टूटता ही है, बॉल तो जाएगा ही, स्कूल में खेल रहे हैं और पास में बिल्डिंग है तो सब ये मामूली बात है कि टूटना है। यहाँ पे बन जाएगी तो पढ़ाई में भी बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, ना हम लोगों को खेलने में दिक्कत आएगी, और समय से पढ़ाई भी होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कोचिंग भी अगर दिया जाए बढ़िया फैसिलिटी के साथ तो बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक भी आगे जा सकते हैं। इस उम्र में जब नहीं खेल पाएंगे तो किस उम्र में खेलेंगे? अभी से ही खेल में आगे रहेंगे तभी तो जाकर आगे इंटरनेशनल लेवल तक जा पाएंगे और अपने देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे ना। अपने विधायक से कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाए और यहाँ पर जो ड्यूज का जो प्रैक्टिस होता है उनका पूरा व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लड़के सब बहुत ही होनहार है, वो आगे जाके जरूर कुछ ना कुछ कर सकते अपने देश के लिए। रस्सी कूद, कबड्डी और पकड़ी और खेलना चाहिए बच्चों सब को, सेहत के लिए और अच्छा होता है और लंबाई भी और फील्ड भी होना चाहिए खेलने के। हमारे यहाँ खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम लोग को खेलने में परेशानी होता है। इसलिए तो बच्चे स्कूल टाइम में आ जाते हैं तो उनको भगाना पड़ता है। दूसरा, क्यों खेलते समय स्कूल के जो खिड़की की मार है उसको नष्ट कर देते हैं, तोड़ देता है जिस समय हम लोग नहीं रहते हैं, स्कूल टाइम के बाद आकर के करता है, मना करने के बावजूद भी वो आ जाता है। रविवार को छुट्टी रहती है उस दिन आ जाता है। बच्चे बताते हैं कि खेल की कोई ग्राउंड नहीं है, सुविधा विहीन है मेजरगंज में। हम थाना प्रभारी को कई बार इसके सूचना दे चुके हैं, तो आए थे, आते हैं तो 10 दिन 15 दिन बच्चे नहीं आते हैं, फिर आज आना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेडियम जल्दी बन जाए, जो बाहर में हम 2020 में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार जी से कहे थे तो उन्होंने 3 स्कूल को नाम 3 जगह का प्रस्तावित किया था, जिसको हमने जमीन आवंटित करने के लिए पूरे कागजात दे दिए थे, आज तक वह नहीं बना। परेशानी दूर यह होगा मैम कि अगर ग्राउंड बनता है, माने खेल मैदान अगर होगा, तो जो बच्चे जो विद्यालय प्रांगण में जो खेलने जाते हैं वो बच्चे विद्यालय प्रांगण में नहीं जाएंगे, स्कूल के जो थोड़ा मोड़ा जो क्षति होती है वो क्षति नहीं हो पाएगा, बच्चे अपना विद्यालय में पढ़ेंगे, जो खेल का समय होगा फिर ग्राउंड में आके खेलेंगे, चाहे जो भी ग्रामीण हो वो ग्राउंड में आके खेलेंगे, विद्यालय के प्रांगण में जाकर नहीं जाके खेलेंगे। यही समस्या दूर होगा, ग्राउंड बनने से बहुत भारी जो है यहाँ पे सुविधा होगा यहाँ के लोगों को। यहाँ की जनता उनसे आग्रह किए कि यहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष उन्होंने अपना प्रस्ताव सब रखा था रैली के क्रम में, तो उसी समय हमने उनसे कहा, अपने मन से हमने कहा था कि हम आपका जो है ये निर्माण हम कराएंगे, और उसके लिए जो हॉस्पिटल है मेजरगंज रेफरल हॉस्पिटल, उसी के बगल में वो मेजर पोर्शन आता है, तो उसी के बगल में जगह का सिलेक्शन भी हो गया हुआ है, 2 एकड़ ज़मीन की उपलब्धता वहाँ पर हुई है। तो सीतामढ़ी जिला में 5 जो है उस 5 जगहों पर जो है इसकी स्वीकृति मिली हमारे विधानसभा प्रश्न करने के बाद, जिसमें बथनाहा और मेजरगंज में हमने 2 जगह को सिलेक्ट किया। बथनाहा में हमने NH किनारे जो 4 लेन आपका है अभी, ये NH 77 है, इस पर जो है हम लोगों ने किया, और मेजरगंज में हॉस्पिटल के बगल में किया। यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल कुमार जी ने ये जानकारी दिए है कि हमने विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं तो सीतामढ़ी जिला में 5 स्टेडियम बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हमने बथनाहा ब्लॉक और मेजरगंज में बहुत जल्द ही स्टेडियम बनाने का काम करवाया जाएगा।